21 जनवरी 1910 हंगरी में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था ये बच्चा नया इतिहास लिखने वाला था। करोली टैकस हंगेरियन आर्मी था। वो इस कंट्री का बेस्ट पिस्तौल शूटर था और सब नेशनल चैंपियन भी जीत चुका था। Karoly, तुम तो सभी नेशनल जीत चुके हो। मुझे और इस कंट्री को तुम पर पूरा भरोसा है कि 1940 का ओलंपिक गोल्ड मेडल तुमको ही मिलेगा। थैंक यू। तुम्हारा क्या सपना है? मेरा एक ही सपना है कि मैं इस हाथ को इस कंट्री की नहीं इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता हूं। वो तो तुम बन ही चुके हो, देख लेना 1940 का ओलंपिक गोल्ड मेडल तुमको ही मिलेगा। और सिर्फ 2 साल बाकी है, मुझे और तैयारी करना है। फिलहाल मुझे आज आर्मी कैंप पे जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग है। बाय। 1938 हंगेरियन आर्मी ट्रेनिंग कैंप। ट्रेनिंग कैंप में एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिसे उसे गोल्ड मेडल जीतना था उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। Karoly, गोल्ड मेडल का सपना सपना ही रह गया। सभी को यही लगने लगा, गोल्ड मेडल का सपना खत्म। Hey Karoly, come, मैं बहुत खुश हूँ कि नेशनल चैंपियनशिप पे आए हो। थैंक यू। देखो, ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। Karoly उसके ऊपर फोकस नहीं किया जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। Karoly उस पर फोकस किया जो उसके पास था, अपनी लेफ्ट हैंड। ऐसा हाथ जो लिख तक नहीं सकता था। क्यों नहीं पता था वो 1 साल से अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग ले रहा था। मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, कंपटीशन करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। अच्छा है। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। वहां पर बाकी सब कंपटीशन कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, Karoly कंपटीशन कर रहे थे अपने ओनली हैंड से।
और वो नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन कैरोली, तू नेशनल जीत गया है, अब क्या करेगा? अगले साल 1940 ओलंपिक, खुद को और तैयार करना है। तू 1940 के ओलंपिक्स में जाएगा, वहां पर वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आएंगे, जितना नामुमकिन है, मत जा, सब हंसेंगे तुझ पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1940 ओलंपिक कैंसिल हो चुका था वर्ल्ड वॉर के लिए।1944 ओलंपिक फिर से कैंसिल हो गया था वर्ल्ड वॉर के लिए। 1948 ओलंपिक, वर्ल्ड से बेस्ट शूटर आए थे जो अपने बेस्ट हैंड से परफॉर्म कर रहे थे। कैरोली परफॉर्म कर रहा था अपने ओनली हैंड से। ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर कैरोली टेकर्स। नाइनटीन फिफ्टी टू ओलंपिक गोल्ड मेडल फिर से जीत गया कैरोली टेकर्स। और नया इतिहास, कैरोली तूने नया इतिहास लिख दी। तुझसे पहले किसी ने भी ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। आखिर में तू देश को गोल्ड मेडल दे ही दिया और ये साबित भी कर दिया तेरा हाथ इस कंट्री की नहीं इस पूरी वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड है। अच्छा कैरोली, जब लोग तुझ पे हंसते थे तुझे कैसा लगता था? जिस जिस के ऊपर जग हंसा है उन्होंने ही इतिहास रचा है।